कल अंशु के पापा आ रहे हैं, कल अंशु मुझे छोड़ के चले जाएगी। तो कोई नहीं, तो अपनी लाइफ जियो। कोई बात नहीं है, जो है तो ठीक है। मतलब मैं अभी तक इसकी वजह से रुकी थी क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे बिल्कुल। हेलो एवरीवन, अभी अभी सपना का वीडियो आया है, अभी 10 मिनट पहले मैं अभी देख के आ रही हूँ। सच में बहुत ज़्यादा एकदम रोना आ रहा है बेचारी को। सच में भगवान कितना दुख तकलीफ लिखा है, एक तो दोनों पति नहीं रहा, अभी इस घर से भी निकल गई। लास्ट में ना सच में एकदम दिल को निचोड़ दिया, फाड़ दिया, एकदम इतना दर्द हो रहा है बेचारी के दुख को देखे कि सच में भगवान कौन से कलम से उसका किस्मत लिखा है। सच में सपना के सास ससुर कितने गिरे हुए इंसान हैं, कितना रूटली बात करते हैं कि सच में मतलब जो तकलीफ सपना को हुआ ना, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और सच में मतलब बेचारी को ना, मतलब लास्ट में घर खाली करने के बाद वो दिखाई कि इसी घर में हम दुल्हन बन को आए थे, और ना ही पति रहा और ना ही घर रहा। सच में एक लड़की का सच में कुछ भी नहीं होता है क्या? सच में मतलब इतना दुख तकलीफ। सपना का जब सूरज जी का वीडियो डाली थी ना, तो उसमें मुझे सूरज जी के ऊपर गुस्सा आया था, और फिर भी लग रहा था कि सपना स्ट्रांगली सब कुछ करेगी। मगर आज जो मतलब वीडियो डाला ना, उससे कई गुना आज की वीडियो दिल को एकदम सच में तोड़ के रख दिया। एकदम इतना दिल में मतलब दुख हुआ सपना को देख के कि सच में बेचारी का किस्मत कैसा है। एक एक सामान को पैक करवा दिया, मतलब मुंह से बोला भी नहीं कि बेटा मत जा, मैं कैसे रह पाऊंगी तेरे बिना। सच में मतलब सास ससुर कितने गिरे हुए मतलब इंसान है, इनके लिए मतलब कौन से लैंग्वेज का इस्तेमाल करूं। सपना बोल रही है कि मुझे राजवीर जी एक नेकलेस गिफ्ट किए थे, और एक सोने का एक मंगलसूत्र था, वो उसको भी रख लिया। सास बोल रही थी कि तू अपने मायके से लेके आई, वो ये मेरा बेटा का निशानी है। और सपना बोली कि दादाजी ने दिया, उसको भी रख लिया। मतलब जो भी सपना को वहाँ ससुराल में राजवीर जी के थ्रू या इनके पति सपना के पति के थ्रू या दादाजी के थ्रू कोई भी अगर गिफ्ट दिया, तो सपना को नहीं रहा। जो अपना सपना मायके से लेके आएगी वो, और खुद से खरीदी हुई वो, बस सपना के उसी चीज़ों के ऊपर हक है। मतलब ऐसे सास ससुर का ना मतलब चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अब तो इनके लिए मुझे मतलब दिल में ना थोड़ा भी दया भाव नहीं है। मतलब इतना सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, एक पल के लिए भी नहीं सोचा। सपना बोल रही थी कि मैं अपने यूट्यूब के इनकम से फ्लैट खरीद रही थी, फ्लैट भी नहीं खरीदने दिया, और ख़रीदा हुआ फ्लैट को बेचवा के मथुरा में घर लिया, और सिर्फ मुझे स्कूटी दिया है जो मैं अपने नाम से लिया हूँ, उसका ड्राइविंग लाइसेंस दिया। मतलब यहाँ से आप सोच सकते हो कि ये इंसान किस हद तक गिर सकते हैं, किस हद तक। अपना पोता अपनी दोनों पोतियों का नहीं जो हो पाया, वो इंसान मतलब किसका हो पाएगा। मतलब ये सब धन दौलत कहाँ लेके जाएगा। मतलब वो अमर होके आए हैं क्या, वो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। मतलब तभी मैं सोचूं कि सपना को ससुराल में अगर एक चोट भी लगती थी, तो सपना के सास और ससुर के ऊपर एक शिकंज तक नहीं आता था। मतलब एक टेंशन तक नहीं होती थी कि मेरी बहू बीमार पड़ गई, मेरी बहू के एक खरोच आ गया। मतलब सच में मतलब क्या मैं बोलूं, ऐसे इंसान को मतलब सच में चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। सपना फाइनली इस घर से अब निकल चुकी है, और सपना बोली कि जाते समय एक आवाज़ अगर मुझे लगा देते ना कि बेटा मत जा, मैं कैसे रह पाऊँगा तेरे बिना, तेरी सासू माँ कैसे रह पाएगी, तो मैं पक्का नहीं जाती। एक बार जब मेरी सासू माँ से और मेरे बीच में जब झगड़ा हुआ था, तो मेरे ससुर जी समझाए थे, समझे थे, मैं नहीं गई थी। वो बोले थे कि
तू जाएगी तो घर टूट जाएगा, बिखर जाएगा घर, मत जा। तो सपना नहीं गई थी, बोली कि मैं नहीं गई। मगर यार सच में सपना को ना दिल देख के ना तुम किस्मत के बारे में सोच सोच के कि बेचारी के कौन से भगवान कलम से किस्मत लिखा है। सच में मतलब जिंदगी में ना तकलीफ ही पाई है। जब बेचारी के 18 साल की उम्र में शादी हुआ तो पति जानवरों की तरह पीटता था। उसके बाद उसका पति मर गया, फिर ससुराल में फिर दूसरी शादी हुई ताकि घर की काली सच्चाई घर से बाहर ना जाए। इसलिए सपना के सास ससुर ने अपने छोटे बेटे राजवीर से शादी करवा दिया, ना कि दया करके कि उसका पति मर गया इसलिए मैं अपने छोटे बेटे से शादी करवा दिया। बस उस डर से शादी करवाया कि अगर इसका शादी दूसरा जगह होता है या अपने घर चली जाएगी तो इस घर की काली सच्चाई बता देगी। इस वजह से सपना के जो लास्ट वर्ड था ना कि मैं इस घर में आई थी दुल्हन बनके, कितना खुशी और अरमानों के साथ, और ना ही मेरा पति रहा और ना ही मेरा घर रहा, ना ही घर में रहने की इजाज़त मिली। सपना के सास ससुर जो है ना, मतलब कभी भी सपना को अपना माना ही नहीं कभी भी। मगर राजवीर जी के जाने के बाद सपना खुद बोलती थी कि मैं अपने सास ससुर का बेटा हूँ, सूरज जी और राजवीर जी दोनों हूँ, मैं बहू भी हूँ और बेटा भी हूँ, मैं दोनों को कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी, जितना हो सके उनके लिए मैं उतना मेहनत करूंगी, रात दिन मेहनत करूंगी, अपने दोनों बेटियों के लिए मेहनत करूंगी। इस तरीके का शब्द थे सपना के जब राजवीर जी दोनों पति अब इस दुनिया में नहीं रहे तब। और ये सास ससुर क्या दिया, कभी भी एक मिठास आवाज़ नहीं दिया सपना को। तो सपना के सास ससुर सच में बहुत ही घटिया इंसान है, बहुत ही गिरे हुए इंसान है। न जाने ये सब संपत्ति जो है किसके लिए संजोग रहे हैं, किसको देना चाहते हैं, इनके माइंड में क्या चल रहा है। सपना को घर से बेघर कर दिया, एक सब तक नहीं पूछा कि बेटा तेरे पास घर भी नहीं है, तू कहाँ जाएगी, कहाँ जाके रहेगी, कुछ भी नहीं पूछा। बस उनको तो चाहिए था कि घर से किसी तरीके से निकले, किसी तरीके से निकले। और स्टार्टिंग में अंशु और सपना बोली कि अगर मैं अलग हो जाती हूँ तो सच में मैं जीता जी मर जाऊंगी। मतलब सपना अंशु बहुत छोटी थी तब से सपना के साथ रह रही है। तो सब अंशु भी अपने घर चली गई, सपना भी बेचारी यहाँ से निकल गई। तो ये है सपना के सास ससुर की काली सच्चाई। हम सिर्फ महसूस करके हमारे दिल में दर्द होता है, महसूस करके हमारा आत्मा रो जाता है। और जिसके ऊपर बीतती है ना उससे तो मत पूछो कि ये दर्द क्या होता है। सो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते मैं बोलना चाहती हूँ, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप सावधान और सतर्क रहेंगे तो हमारे देश में होने वाला क्राइम काफ़ी हद तक कम हो सकती है। और मैं सभी पेरेंट्स से एक ही बात में बोलना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को उस लायक बनाओ कि अगर उसके फ्यूचर में ऐसा कुछ दुख तकलीफ भी होता है तो वो अपने पैरों पे खड़ी रहे, ना कि टूट जाए। और अपनी बेटियों को शादी करने के बाद अपनी बेटियों से एक शब्द ज़रूर बोले कि बेटा तुम्हारे माँ बाप का घर हमेशा तेरे लिए खुला रहेगा, अगर कोई भी दुख तकलीफ है तो बिंदास घर आ जाना। नहीं तो एक शब्द पहले होता था, माँ बाप बोलते थे कि यहाँ से तेरी अर्थी उठी है, यहाँ से तेरी डोली उठी है, अब ससुराल से तेरी अर्थी उठेगी, बेटा कुछ भी हो जाए तुम्हें अपना ससुराल में ही रहना है और अब से वही तुम्हारा घर है। तो प्लीज़ पेरेंट्स से मैं यही माता पिता से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अब से अपनी बेटियों को ये संदेश देना बंद करिए कि यहाँ से तुम्हारी डोली उठेगी और तुम्हारे ससुराल से तुम्हारी अर्थी उठेगी और ससुराल ही तुम्हारा घर है। बस अपनी बेटियों को एक शक्ति दीजिए, बोलिए कि बेटा अगर ससुराल में कोई दिक्कत हो तो मेरे पास बिंदास आ जाना, तेरे माँ बाप का दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा। फिर देखिए कोई भी बेटी
का आत्महत्या या सुसाइड वाला सीन जो है बहुत हद तक कम हो सकती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।